Hey everyone, welcome back to our channel Prime Learning. So NISER, यानी कि National Institute of Science and Science Education and Research भुवनेश्वर, जिनके अभी PhD फॉर्म फिलअप हुए थे, सो उनके जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं फॉर द टेस्ट और इंटरव्यू, सो उनकी जो लिस्ट है वो आउट हो चुकी है. आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के इसकी लिस्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, इसकी लिस्ट आज यानी कि 25 नवंबर को रिलीज करी गई है. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज की, ठीक है, सो इन्होंने यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स हैं शॉर्टलिस्ट किए हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो फर्स्ट इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके 55 मार्क्स होने चाहिए इन MSc और इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड 70% इन केस ऑफ 4 डिग्री. ठीक है, 4 ईयर की डिग्री में आपकी 70% बननी चाहिए. सेकेंड, इन्होंने क्राइटेरिया यहाँ पे दिया कि आपका जो है वो CSIR, NET, UGC, NET, JRF, लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, ठीक है, या फिर आपका UGC, RG, NF, DBT, JRF कैटेगरी 1 एंड 2 क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए इन ICR, NET, JRF, SRF फॉर द PhD एग्जाम कंडक्टेड बाय NTA, GATE, EXCEL, BTEY. ठीक है, स्कोर इन्होंने जो भी गेट के लिए वो इन्होंने मोर देन 550 होने चाहिए. ठीक है, एंड GPAT क्वालिफाइंग स्कोर या फिर JGEE, BILS के लिए मोर देन 35 इन्होंने यहाँ पे क्राइटेरिया रखा है. एंड ICMR, JRF हो सकता है आपके पास, या फिर कोई भी इक्विवेलेंट जो भी नेशनल एयर एग्जामिनेशन है, ठीक है, वो होना चाहिए, आपका क्लियर होना चाहिए फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24. ठीक है, सो जितने भी शॉर्टलिस्टेड या फिर प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं दे मस्ट फुलफिल द जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर द इंटरव्यू. ठीक है, उनका जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए. ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे दी है, कुछ लोगों को इन्होंने, ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करा है और कुछ कैंडिडेट्स को प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट करा है. सो एट द एंड हम आपको बताएंगे कि प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स क्या हैं. ठीक है, अब बात करते हैं कि इनकी जो प्रपोज्ड डेट ऑफ टेस्ट इंटरव्यू है वो 11 to 12 दिसंबर रहने वाली है. ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ठीक है, फॉर ये 11 to 12 दिसंबर जो है फॉर दी जो भी डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज है ये उनके लिए डेट यहाँ पे कंसिडर करी गई है. ठीक है, जो भी बायोलॉजिकल साइंसेज में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं आप यहाँ पे उनके रोल नंबर्स, ठीक है, अपने रोल नंबर्स और नेम यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, सो अबाउट काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो बायोलॉजिकल साइंसेज से यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं. ठीक है, आप देख सकते हो इतने सारे ये कैंडिडेट्स जो है वो शॉर्टलिस्टेड हैं. अबाउट 215 कैंडिडेट्स को जो बायोलॉजिकल साइंसेज है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस है, वहाँ पे इन्होंने शॉर्टलिस्ट करा है. और यहाँ पे कुछ प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स भी हैं. ठीक है, सो आप यहाँ पे अपना नेम एंड रोल नंबर देख सकते हैं. ठीक है, सो अबाउट 49 कैंडिडेट्स को इन्होंने यहाँ पे जो प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट करा है. और नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं जो भी स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंसेज है, सो उनके लिए इन्होंने कहा है कि आपका CSIR, UGC, NET होना चाहिए. ठीक है, फॉर PhD, NET, JRF होना चाहिए आपके पास. ठीक है, वैलिड फॉर द एकेडमिक ईयर August 2024 to July 2025. ऑलराइट, जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं दे नीड टू प्रोड्यूस अ मार्कशीट और सर्टिफिकेट ऑफ अ मास्टर डिग्री अलॉन्ग विद वन ऑफ अफोर मेंशन डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ द रिटन टेस्ट कम इंटरव्यूज. ठीक है, सो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे आपने अपलोड करे हैं, चाहे वो आपको मास्टर डिग्री की बात करी गई हो, ठीक है, या फिर इनका 4 ईयर जो प्रोग्राम है, ठीक है, उनकी जो सर्टिफिकेट्स है उनकी बात करी गई हो, या फिर जो भी आपने नेशनल लेवल का कोई भी एग्जाम जो है अगर क्वालिफाई करा है, तो वो सभी सर्टिफिकेट्स जो है वो आपको इंटरव्यू के टाइम पे या फिर जो भी आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है तो उन सब के टाइम पे आपके पास वो होने चाहिए. ठीक है, और जो कंप्यूटर साइंसेस है उसके लिए जो भी इंटरव्यूज डेट्स इन्होंने यहाँ फाइनलाइज करी है वो है 9th and 10th December. ठीक है, और इसकी जो फाइनल जो आपको इंटीमेशन है कि आपका जो है इंटरव्यू है या फिर जो टेस्ट है रिटर्न एग्जाम है वो कब होगा, वो आपको आपके ईमेल पे आपको अपडेट उसके बारे में कर दिया जाएगा. यहाँ पे जो शॉर्टलिस्टेड है, ठीक है, ओनली 3 कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्ट इन कंप्यूटर साइंसेस. ठीक है, यू कैन सी हियर. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं
स्कूल ऑफ अर्थ साइंसेस एंड प्लानिटरी साइंसेस के लिए. सो यहाँ पे भी इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है. ठीक है, फर्स्ट जो है 55% इक्विवेलेंट मार्क्स आपके मास्टर्स में होना चाहिए. ठीक है, और अगर आपके पास 4 ईयर डिग्री है तो आपके 75% मार्क्स में एग्रीगेट होने चाहिए. नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे कहा कि जो कैंडिडेट्स हैं दे शुड हैव क्वालिफाइड एटलीस्ट वन ऑफ द नेशनल लेवल एग्जामिनेशन आइदर सीसीईआर यूजीसी नेट गेट जेस्ट वैल्यू फॉर द एकेडमिक ईयर अगस्त 2024 टू जुलाई 2025. ठीक है, सो इनकी जो यहाँ पे जो एग्जाम जो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के लिए स्केड्यूल फाइनलाइज किया गया है वो 15th 5th दिसंबर को फाइनलाइज किया गया है. सो ये जो है वो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट है. ऑलराइट, 19 कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड हेयर. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेस, सो यहाँ पे भी इन्होंने क्राइटेरिया रखा है जो फिजिकल साइंसेज है उनका जो जेस्ट है 2024 और जिनके परसेंटाइल जो है मोर देन 90 एंड रैंक जो है, ठीक है, रैंक जो है आपका लेस देन 496 और मार्क्स जो है मोर मोर देन 36 आपके यहाँ पे होने चाहिए. गेट के मार्क्स जो है मोर देन 40 मार्क्स, ये 40 मार्क्स आपके ऊपर ही आपके गेट में मार्क्स होने चाहिए फॉर द फिजिकल साइंसेस. ऑलराइट, या फिर आपके पास जो है वो सीएसआईआर नेट, ठीक है, ये आपके पास क्वालिफाइड होना चाहिए आइदर फॉर जेआरएफ एलएस और एडमिशन टू पीएचडी. ठीक है, और इनकी जो इंटरव्यू और एग्जाम की डेट है वो 12th 13th दिसंबर फाइनलाइज करी गई है. सो ये जो है वो कुछ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट यहाँ पे दी गई है. ठीक है, सो यू कैन मैच योर रोल नंबर और नेम फ्रॉम हेयर. नेक्स्ट इज स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेस, सो यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया है, 55 मार्क्स इन मास्टर्स एंड 75 मार्क्स 70% मार्क्स इन ये 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भी आपके पास कोई एक जो नेशनल लेवल एग्जाम है वो क्वालिफाई होना चाहिए फॉर द ईयर 2024 to 2025. ऑलराइट, सो इनके जो इंटरव्यू की डेट्स हैं वो 16th ऑफ दिसंबर यहाँ पे फाइनलाइज करी गई है और एंड दिस इज द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट लिस्ट यहाँ पे है. ठीक है, अबाउट 79 कैंडिडेट्स जो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं. नेक्स्ट उन्होंने प्रोविजनली यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया है और इन्होंने ये कहा है जो भी प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है, ठीक है, वो तभी यहाँ पे अलाउ किए जाएंगे इंटरव्यू में बैठने के लिए अगर वो जो है क्राइटेरिया 1 एंड 2 जो भी मेंशन किया है इनके टॉप पे, ठीक है, अगर वो उसको फुलफिल करते हैं देन ओनली दे आर अलाउड टू अपेयर इन द इंटरव्यू और योर रिटन एग्जामिनेशन. ठीक है, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अपडेट फॉर ऑल द इंटरव्यू, सो फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू अपेयर इन द इंटरव्यू. ऑलराइट, सो दिस इज एन इंफॉर्मेटिव वीडियो, सो शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच ऑल.